खुलताबाद स्थित रोशन बाग मोहल्ले के रहने वाले डॉक्टर कादिर द्वारा स्वयं की कोरोना जांच कराए जाने के बाद रिपोर्ट के पॉजिटिव निकलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोशन बाग की कुछ गलियों को एहतियातन सीज करते हुए लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है। डॉक्टर कादिर के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि होने के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि कोरोना के कहर के मद्देनजर यह पता लगाया जा रहा है कि संक्रमण के दौरान डॉक्टर से किन किन लोगों को संपर्क हुआ था। वहीं क्षेत्र को सैनिटाइजेशन करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और नगर निगम एक एक घर को सैनिटाइज करने का प्रयास कर रहा है जिससे इस महामारी का और प्रसार न हो सके। ये 19 तारीख को एक रोशन बाग में डॉक्टर कदीर साहब रहते हैं, उन्होंने खुद फ़ोन करके बुलाया उनको, जैसे लगा कि हमको इस टाइप का कुछ मामला है तो जांच में पॉजिटिव पाया गया तो जांच के लिए उनको भेज दिया गया है। आज थाना खुलदाबाद के अंतर्गत बलवंत यादव जी जो हैं चौकी प्रभारी, उनके नेतृत्व में आज पूरे रोशन बाग को 3 गलियों को अच्छी तरह सीज कर दिया गया है जिससे कि लोगों आए जाएँ ना, संक्रमित और ना बढ़े, एहतियात के तौर पर इसको सीज कर दिया गया है। सैनिटाइज, ब्लीचिंग सब कराया जा रहा है और हम लोग दुआ करते हैं डॉक्टर साहब जल्द से जल्द स्वस्थ। आप सैनिटाइज वगैरह आप नगर निगम के द्वारा? जी जी बिल्कुल है और रोज़ कराया जाएगा और पूरे क्षेत्र में हो रहा है और यहाँ और अच्छे तरीके से कराया जाएगा। पेशेंट हुए हैं उस गली को आपने सैनिटाइज? जी जी सैनिटाइज हुआ है, ब्लीचिंग जी जी सैनिटाइज भी हुआ है और ब्लीचिंग भी हुई है और पर डे कराया जाएगा।